खिलाएगा। का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान में। दोस्तों, अपने पहले दिन ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लेने वाली साल की सबसे धमाकेदार फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर अपने एक दिन पूरा कर चुकी है और आज इस फिल्म का दूसरा दिन। और आप सभी को बता दें कि शुरुआती दो ही दिनों में यह फिल्म अपने 90% से ज्यादा बजट निकाल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऑडियंस से मिल रहे आउटस्टैंडिंग रिव्यूज के बाद फिल्म पठान ने अपने पहले दिन लगभग 65 करोड़ की कमाई इंडिया से और लगभग 30 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर ली है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल एक दिन का कलेक्शन लगभग 95 करोड़ का दुनिया भर से हो गया था। और दोस्तों, रिपब्लिक डे होने की वजह से यह फिल्म अपने दूसरे दिन लगभग 70 करोड़ की कमाई सिर्फ इंडिया से लगभग 35 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का अपने दूसरे दिन का कलेक्शन लगभग 105 करोड़ का दुनिया भर से हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म का टोटल दो दिनों का कलेक्शन दुनिया भर से लगभग 200 करोड़ का हो जाएगा। और दोस्तों, इस फिल्म का बजट लगभग 200 से 250 करोड़ के आसपास ही बताया जा रहा है, जिसके हिसाब से यह फिल्म अपने शुरुआती दो ही दिनों में एक हिट फिल्म बन चुकी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडिया में कई जगह इस फिल्म को अभी भी बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यह फिल्म काफी धमाकेदार कमाई कर रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन को बताया जा रहा है, जो कि सलमान खान, दीपिका और शाहरुख खान ने किया है। और साथ ही इस फिल्म के बीजीएम और इस फिल्म की स्टोरी लाइन ने भी सभी का दिल जीत लिया, जिसकी वजह से यह फिल्म काफी धुआंधार कमाई कर रही है। आप सभी को बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में RRR, KGF चैप्टर 2 और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान।